गुड मॉर्निंग मम्मीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज दिन है सैटरडे। मैं आज जा रही हूँ शेखर जी के साथ वैक्सीनेशन कराने। एक्चुअली मेरा वैक्सीनेशन नहीं, शेखर जी का वैक्सीनेशन होने वाला है, सेकेंड डोज। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और हम लोग कैसे अपॉइंटमेंट पा गए, ये हो रहा है कोविन ऐप का थ्रू हम लोग करवाए हैं। तो उनका डेट खुल गया है, तो वो अपॉइंटमेंट लिए हैं, तो अपॉइंटमेंट मिल भी गया है, तो आज हम लोग जा रहे हैं। अभी बज रहा है 9:30। हम लोग नहा चुके हैं, मेरा पूजा वूजा हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो सब चीज करके सब काम कंप्लीट कर ली हूँ। अभी जाना है, खाली वैक्सीनेशन लगाना है सेकेंड डोज। और पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अभी देख ही सकते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैं कुर्ती और जीन्स पहनी हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी तक शेखर जी रेडी हुए नहीं है, वो रेडी हो जाएंगे तो हम लोग साथ में निकल रहे हैं। अभी आज इनका वैक्सीनेशन है, डर लग रहा है? नहीं इनको डर नहीं लगता है, मुझे डर लगा था जिस दिन मेरा वैक्सीनेशन था। एक्चुअली इनका सेकेंड डोज है। कैसा फीलिंग हो रहा है? कोई भी नहीं इतना बड़ा इंजेक्शन देगा हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। निकल रहे हैं तो बात कर रहे हैं। यहाँ दादा है, दादा को हम बोल दिए हैं बाय। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? चलिए हम नीचे उतर रहे हैं, अभी जाएंगे। शेखर जी रेडी हो गया है, देखते हैं आज हो सकता है स्कूटी मैं चलाऊं। शेखर जी अंदर चले गए हैं, हमको जाने नहीं दिया, तो मैं अभी बाहर वेट कर रही हूँ। मैं अभी बाहर वेट कर रही हूँ, शेखर जी अंदर गए हैं, वो आएंगे तो फिर बात होगा। गुड आफ्टरनून मम्मीज। एक्चुअली मैं अभी शाम से फिर से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह में हम लोग जो गए थे वैक्सीनेशन सेंटर में, वहां पे मैं जो आप लोगों को बोली कि मैं बाहर हूँ, मुझे एक्चुअली अंदर जाने नहीं दिया गया। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि अंदर जो एरिया था वहां पे जो लोग का वैक्सीनेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा रहे थे अंदर। वो लोग देख रहे थे कि इनका डोज है, सेकेंड डोज है, तो उनको ही अंदर जाने दे रहे थे, तो मुझे रोक दिया। तो मुझे पूछा गया कि आप क्या वैक्सीनेशन ले रहे हो, मतलब आपका वैक्सीन है? तो मैंने बोला नहीं, मेरा नहीं है, मेरा हस्बैंड का है। तो वो लोग बोले तो आप बाहर वेट करो, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो मैं वेटिंग एरिया में शेखर जी के लिए वेट कर रही थी। एक्चुअली इन द मीन टाइम एक्चुअली क्या हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गया, तो कैमरा जो है मेरा भीगने का चांसेस बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि अब बारिश हो रही है तो चलो कैमरा अंदर कर लिए। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मैं डायरेक्टली घर आई हूँ, अभी शाम हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो तब शूट कर लिया जाए। तो एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई वहां पे, इतना ज्यादा बारिश हो रहा था, तो हम लोग पूरा भीग के घर आए और बहुत लेट से घर आए। एक्चुअली 2 बज गया था हम लोग का आते आते। तो उसके बाद लंच वंच किए, सब होते होते 3:30 एक्चुअली बज गया था।
तो मैंने उसके बाद बहुत हम लोग टायर्ड भी थे, अभी भी एक्चुअली शेखर जी बहुत ही टायर्ड है। उनका हेल्थ के बारे में मैं बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब ठीक है। थोड़ा सा नींद उनको आ रहा है, जैसे हमको आया था वैसे ही उनको थोड़ा सा नींद आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग चाय वाय पी लिए हैं, तो वो बोले कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और नींद आ रहा है, थोड़ा सा मैं रेस्ट वो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, अभी टाइम भी हो रहा था, तो डिनर एज सच किसी का खाने का उतना मन नहीं था, क्योंकि उतना लेट से हम लोग लंच किए हैं। तो एक्चुअली सबको ही बोले कि थोड़ा सा हल्का कुछ हो जाए तो ठीक है, एक्चुअली असल किसी को ही मन नहीं है खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सूप बना दिया जाए सबके लिए, और मैं जो सूप बनाऊंगी अभी एक्चुअली बहुत ही लाइट सूप है, मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं अभी बनाऊंगी, सोच रही हूँ कि चिकन कॉर्न सूप बना लूँ, थोड़ा सा मतलब चिकन कॉर्न सूप में क्या है कि हेल्दी भी है, ज्यादा तामझाम भी नहीं होता है, ज्यादा मसाला भी नहीं जाता है, एकदम प्लेन एंड सिंपल होता है, और बहुत ही हेल्दी होता है, और खाने से पेट भी भरा रहता है। तो ऐसा वो टेंशन आपका नहीं है कि पूरी रात इतना हल्का क्या बना लूं। आप रोटी बना लो तो बहुत हेवी हो जाता है, आप पराठा बना लो तो वो भी हेवी हो जाता है। एकदम लाइट वेट ब्रेड और सूप हम लोग लेने वाले हैं आज रात को। तो मयंक को भी, तो मयंक को एक्चुअली सूप बहुत पसंद है, और तो ऐसा मुझे इसका लेके टेंशन नहीं है कि मयंक खाएगा कि नहीं खाएगा। एक्चुअली उतना छोटा बच्चा, मैं जो सूप आपको बना रही हूँ आज, एक्चुअली वो बच्चा लोग को भी बहुत पसंद आता है, एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा घर में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, पसंद आता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी सूप बनाना। यहाँ पे सूप का सारा सामान ले लिया है, मैं यहाँ पे ले ली हूँ चिकन, ये 250 ग्राम के आसपास है, और बाय द वे ये विथ बोन चिकन है, आप बोनलेस यूज मत कीजिएगा, वो थोड़ा च्यूई हो जाता है, तो विथ बोन चिकन ही ठीक रहता है। उसके साथ अंडा, और ये कॉर्न मैंने ले लिया है, ये फ्रोजन कॉर्न है, लेकिन मैं इसको पहले से ही धो के भिगो के रखी थी, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब उसके साथ मैंने ले लिया 2 कैप्सिकम और 2 ऑनियन, और उसके साथ ही मैं कैरेट ले लिया है। ये गाजर को मैंने पहले से ही धो के साफ करके रख चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैंने गैस पे एक कुकर चढ़ा दिया है, और कुकर में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ सरसों का तेल यूज़ मत कीजिएगा, एक स्मेल आ जाता है। अब मैं इसमें, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा इसको फैला लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 तेजपत्ता। तेजपत्ता से तो स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, मतलब एक खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। और उसके साथ मैं डाल दूँगी चिकन, मुझे यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। चिकन देखिए नीचे में जो चिपक रहा है, इससे आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ ऑनियन, ये 1 ऑनियन है, 1 ऑनियन मैंने ले लिया है, और 1 मैं रख दी हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। मुझे ऑनियन को भी चिकन के साथ अच्छे से भूनना है, जब तक मतलब चिकन के साथ ऑनियन का जो टेस्ट है ना, वो एकदम निखर के आएगा, और उसका स्मेल मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ मैं डालूंगी भर के 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, बाय द वे ये होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आप लोग होममेड यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों का मर्जी। अब इसके साथ मैं अच्छे से इसको भूनूंगी, देखिए भूनते भूनते मेरा चिकन का कलर भी आस्ते आस्ते चेंज हो गया है। अब मैं ये अच्छे से भून चुका है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन सब, अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी।
पानी कितना डालना है, पानी आप अपना हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके डालिए। मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, बाद में लगेगा तो और ऐड कर लूँगी। अब मैं इसको लीड लगा के लो फ्लेम में 20 मिनट तक पकाऊँगी। सीटी ना आए तो भी चिंता का ज़रूरत नहीं है। इसको लीड लगा के आप 20 मिनट तक लो फ्लेम में छोड़ दीजिए, अपने आप ये पक जाएगा। अब उसके बाद यहाँ तो मेरा चिकन पकने के लिए मैंने छोड़ दी हूँ, अब मैं चॉपिंग कर लेती हूँ। चॉपिंग में सेम साइज़ में मैं करूँगी। देखिए कैरेट, अगर कैरेट कैप्सिकम कोई भी सब्जी लीजिए, आप सेम साइज़ में इसको कट कर लीजिए। और इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी और ज़्यादा छोटा भी नहीं करूँगी, ऐसे मीडियम साइज़ में सारे कैरेट और काट लूँगी मैं। अब मैं कैप्सिकम भी सेम साइज़ में काट लूँगी। एक्चुअली सेम साइज़ में काटने से क्या होता है कि ये इवेंचुअली साइज़ होने से, इवन साइज़ होने से ये बॉयल भी एक साथ ही हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। यही मेन रीज़न है और कुछ नहीं। तो चलिए मैं सब्जी पूरा कट कर लेती हूँ। और एक बात, मेरे पास जो एक ऑनियन में रख दी थी वही ऑनियन में कट कर रही हूँ, इसको मैं रफली चॉप कर लूँगी। मेरे सारे सब्जी कट हो चुके हैं, अब चलते हैं चिकन का तरफ। 20 मिनट भी मेरा हो गया है सब्जी कट करते करते, अब देखिए चिकन मेरा हुआ है कि नहीं। मेरा चिकन भी देखिए तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। अब मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। मैं क्या करूँगी, एक बोल ले लूँगी और स्टॉक से चिकन को अलग कर लूँगी। चलिए चिकन तो अलग हो गया मेरा, उसको साइड करके अब मैं दूसरा एक बोल ले चुकी हूँ। क्यों मैं ले चुकी हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टॉक है वो मुझे ज़रूरत है, तो ये स्टॉक को मैं थोड़ा छान लूँगी, उसके बाद ही ना ये स्टॉक से मैं आगे का प्रोसेस कर सकूँगी। और जब तक मैं यहाँ पे स्टॉक छान रही हूँ तब तक साइड में मेरा चिकन भी ठंडा हो जाएगा। चलिए जी, स्टॉक तो मैंने छान लिया है, अब मैं एक सूप पैन ले लूँगी और स्टॉक को मैं उसमें डाल दूँगी हाई फ्लेम में। क्यों मैं डाल दूँगी, बाय द वे पूरा प्रोसेस में मैंने लेकिन सॉल्ट नहीं डाला है, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने सॉल्ट अभी तक नहीं डाला है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मेरा सारी कटी हुई सब्जियाँ, इसमें जाएगा। अब जाने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा स्टार दे दूँगी। स्टार देने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा ध्यान से, हाँ नमक थोड़ा ध्यान से, सब्जी में ऑलरेडी नमक होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा घर में मेंबर्स भी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे सूप चाहिए, क्योंकि सूप सब पसंद करता है घर में, ये बचने वाला नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ही हो सकता है कि रह जाए, लेकिन ये रहेगा नहीं। अब मैं इसको लीड लगा के हाई फ्लेम में एक बॉयल आने तक छोड़ दूँगी। जब तक मेरा सूप बॉयल आने के लिए मैं छोड़ रही हूँ, यहाँ पे मेरा चिकन ठंडा हो गया है, इसको मैं बोन से अलग कर लेती हूँ।
मैंने सारा चिकन अलग कर लिया है बोन से, एक भी बोन इसमें नहीं है। देखिए इस तरह का होना चाहिए। तो चिकन आप लोग इस तरह से बोन से अलग कर लीजिए। फिर मेरा यहाँ पे तब तक बॉयल आ चुका है मेरा सूप में। अब मैं क्या करूँगी, इसमें लीड को, इसका जो लीड है, लीड को मैं हटा दूँगी। देखिए कितना अच्छा से बॉयल आ चुका है। और मैं जो यहाँ पे कॉर्न रखी थी, ये कॉर्न मैं इसमें मिला दूँगी। मिलाने के बाद भी मैं इसको एक बॉयल आने के लिए छोड़ूंगी लीड लगा के। अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर मैं चिकन ऐड करूँगी इसमें, हाँ उसके आगे नहीं करूँगी। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, बहुत अच्छी खासी बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ये चिकन सारा ऐड कर दूंगी। देखिए चिकन ऐड करने के बाद भी, लेकिन मैं इसमें फिर से लीड लगा के बॉयल आने के लिए छोड़ूंगी। देखिए इसको एक बार मिला दूंगी, उसके बाद इसको लीड लगा के बॉयल आने के लिए छोड़ूंगी। देखिए सारी चीज़ आप एक साथ मिला के बॉयल आने के लिए मत छोड़िए, तब वो टेस्ट नहीं आता है रेस्टोरेंट वाला। मेरा बॉयल अच्छा से आ चुका है, मेरा यहाँ पे सब्जी भी पक चुका है। कैसे आप समझिएगा पक चुका है, थोड़ा सा सब्जी ले लीजिए और उसको चाकू की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके या चम्मच के मदद से, देखिए मेरा सब्जी हो गया है ना बॉयल। अब मैं इसमें एक बॉडी देने के लिए, थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए, मैं ये गेहूं का आटा पानी में, नॉर्मल पानी में घोल ली हूँ। इसको धीरे धीरे करके इसमें मैं मिला दूंगी। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, नॉर्मल फ्लावर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, मेरे पास गेहूं का आटा अवेलेबल था तो मैं उसी से कर रही हूँ। उसको एक साथ मिलाना नहीं है, मैं ये सूप ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है जी। आप भी कभी आटे से ट्राई करके देखो। हाँ लेकिन लम्स नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चम्मच से मिलाइएगा, एक साथ मत मिला दीजिएगा तो लम्स का चांसेस रहता है। देखिए सूप में कलर भी आ गया है, इसमें थोड़ा सा बॉडी भी इसका आ गया है। और हाँ इसको थोड़ा सा स्टर देने के बाद लीड लगा के लो फ्लेम में एक बॉयल आने तक अब छोड़ना पड़ेगा इसको, तब ना उसका कंसिस्टेंसी रेस्टोरेंट का सूप जैसा आएगा, तब ना अच्छा लगेगा। और बाय द वे गेहूं का आटा मिलाने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो गेहूं का आटा आप मिलाए हैं इसमें। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, अच्छी खासी बॉयल आ चुका है। अब मैं जो अंडा रखी थी, दो एग्स मैं रख चुकी थी, वो अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी, फ्लेम लो रखिएगा पूरा प्रोसेस में। ये प्रोसेस में जब आप अंडा इसमें डाल दीजिएगा, देने के बाद संग संग इसको चला दीजिएगा अच्छे से, ताकि अंडा इसमें चारों तरफ से अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। सी कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। देखिए अंडा मिक्स्ड होने के बाद बहुत अच्छा लगता है और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है। अब मैं क्या करूँगी, मेरा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अंडा थोड़ा पकने में समय नहीं लगता है, फिर भी मैं इसको लीड लगा के लो फ्लेम में इसको मैं छोड़ रही हूँ। मेरा सूप में बॉयल आ चुका है, अब मैं इसमें मिलाऊंगी ऑरिगैनो, थोड़ा सा मेरे पास अवेलेबल था। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजलिंग, कुछ भी इसमें मिला सकते हैं। और मेरा हो गया सूप रेडी, अब चलिए इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। चलिए जी मेरा तो डिनर हो गया है रेडी। देखिए कितना यम्मी लग रहा है, लग रही है ना पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल सूप है। अब मैं इसको प्लेटिंग तो हो चुकी है, पूरा फाइनल टच दे देती हूँ। और इसको मैं सर्व करूँगी ब्रेड के साथ, क्योंकि हम लोग आज रात को डिनर में ब्रेड और सूप ही लेने वाले हैं। और हाँ आप लोग अपना टेस्ट का हिसाब से थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिला सकते हैं ऊपर से। मैं तो मिला रही हूँ ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि हम लोगों को ब्लैक पेपर पाउडर बहुत पसंद है। तो ये था हम लोगों का आज का डिनर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी घर में ट्राई दे सकते हो, बहुत यम्मी लगता है खाने में। आप लोगों को अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो
तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। और इसके साथ मैं आ गई हूँ आज वीडियो के एंड में, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।